हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि ईश्वरन ने वो जो पेड़ जो कि उखड़ा हुआ था, रोड पे गिरा हुआ था, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया। What effect does he want to create to his listeners? वो क्या effect उस तरीके से explain करके क्या effect create करना चाहता है? तो देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा था कि यहाँ पे जो ईश्वरन है वो बड़े ड्रामेटिक, सस्पेंस, सरप्राइज के तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है। उसने क्या कहा वहां पे कि वो जो ट्री है उसको वो पहले एक बीस्ट की तरह लगा, एक बुशी बीस्ट की तरह, बट जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो तो सिर्फ एक पेड़ है जिसकी ब्रांचेस फैली हुई है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ पे जो ईश्वरन है वो एक ड्रामेटिक लुक देना चाहता है, जो भी लिसनर है उसका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है। तो बस दोस्तों, इसी चीज को हम अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा कि ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री बाय फर्स्ट एडिंग सस्पेंस एंड देन अ सरप्राइज एंडिंग टू द अकाउंट। मतलब कि वो पहले सस्पेंस बिल्ड करता है, वो सोचने को मजबूर करता है कि वो चीज क्या होगी, और फिर सरप्राइज देता है कि वो कुछ नहीं, सिर्फ एक पेड़ ही है। उसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया? He dramatically narrated that he was alone on a deserted road, कि एक deserted road पे वो अकेला था। Where he saw an enormous bushy beast, उसको कुछ बहुत अजीब सा रोड पे गिरा हुआ दिखाई दिया, बहुत ही बड़ी चीज थी वो। Later on closer look, यानी कि फिर थोड़े टाइम बाद ध्यान से देखने पर उसको पता चला, it was a fallen tree with dry branches spread out, कि वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पेड़ है जो कि गिरा हुआ है और उसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। और दोस्तों, ईश्वरन ऐसा क्यों करता है, हम वो भी लिख सकते हैं कि he adopts this style to catch listeners' attention and make the story interesting, कि जो listener है उसकी attention gain करने के लिए और story को थोड़ा और interesting बनाने के लिए ईश्वरन ऐसा करता है। उसने ये कहाँ से सीखा? वो जो वो तमिल बुक्स पढ़ता था, यानी कि his style was influenced by Tamil thrillers he used to read। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसान लैंग्वेज में मैंने वो पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर इतनी आसानी से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।